मौलिक अधिकारों पर हमला, शरद पवार बोले सरकार को प्रगतिशील विचारधारा की परवाह नहीं। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि देश में मौलिक अधिकारों पर हमला हो रहा है और सरकार को प्रगतिशील विचारधारा की कोई परवाह नहीं है। कोल्हापुर में दिवंगत वामपंथी नेता गोविंद पानसरे के स्मारक का अनावरण करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि प्रतिगामी शक्तियों के खिलाफ एकजुट रुख अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब संसद सत्र के दौरान जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है तो वे उच्च सदन राज्यसभा में सिर्फ 20 मिनट बताते हैं। आज सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने आरोप लगाया। आज सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, स्वतंत्र आवाज को दबाया जा रहा है, स्वतंत्र लेखन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और समाचार चैनलों को अवरुद्ध किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सत्ता में बैठे लोगों को मौलिक अधिकारों पर हमलों को लेकर कोई परवाह नहीं है, शासकों को प्रगतिशील विचारधारा की परवाह नहीं। एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुताबिक देश में प्रतिगामी शक्तियां बढ़ रही है लेकिन शासकों को प्रगतिशील विचारधारा की परवाह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में केवल 20 मिनट के लिए आते हैं, जब संसद सत्र के दौरान आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा की जाती है और नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में सभी लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत को बचाना है, लोगों को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोट करना चाहिए और भाजपा को हराना चाहिए। राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज।